आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। बीएसपी सांसद मनुप नागर ने पार्टी छोड़ दी है और अब वो आरएलडी में शामिल हो रहे हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मनुप नागर सांसद थे बीएसपी से, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह कहना है कि मजबूरी में ये फैसला मुझे लेना पड़ रहा है और अब ये जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में आरएलडी में शामिल होंगे मनुप नागर। बिजनौर से बीएसपी के सांसद जिन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब ये जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में आरएलडी में शामिल होंगे। इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि मजबूरी में मुझे ये बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। लोकदल परिवार में आज शामिल हो रहे हैं, किसानों के बीच इनकी बैठ रही है और हर एक व्यक्ति अपनी जवानी याद करना चाहता है, तो मैं याद दिलाता हूं कि मलुक जी भी हमारे यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कभी रहे, जब मैं भी यंग था और ये भी यंग था 2005 में। आप तो अभी भी यंग हो तो इनको भी जवानी याद रहेगी और बड़े दिल के साथ ये आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीच में बहुत अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि बिजनौर से एमपी रहे लोकसभा के, किसी कारणवश इनका चयन नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने बड़े दिल के साथ मुझे संपर्क किया और खुद उन्होंने पहल करके कहा कि मैं लोकदल, मेरा मन हमेशा आपकी तरफ रहा, मैं लोकदल ने जिनको लड़ाया है, चंदन चौहान हमारे प्रत्याशी हैं, पूरा उनको सपोर्ट करूँगा। सिर्फ बिजनौर तक सीमित नहीं है, मेरठ से भी चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का और ये परिवार लखीराम नागर जी, और लखीराम नागर जी के नाम से नहीं तो लखिया के नाम से मिनिस्टर रहे हैं। और मैंने कहा कि सह परिवार सुधा जी भी यहाँ हैं, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही हैं और इनका काम भी गांव देहात से जुड़ा हुआ है, जो उनका व्यापार भी वो किसानों से जुड़ा हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है कि लोकदल को बहुत मजबूती मिलेगी, हमारी इमीडिएट 2024 के लोकसभा कैंपेन को मदद मिलेगी, एनडीए को बहुत मदद मिलेगी, सभी जगह प्रत्याशियों के लिए आप संपर्क करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। इनका स्वागत करता हूँ। ये हरी डोरी जो प्राकृतिक निशानी है, हमें धरती माँ से जोड़ेगी और किसानों के प्रति जो हमारी एक संवेदनशीलता है, जिम्मेदारी है, उसको हमेशा याद दिलाएगी और ये हमारे उनके रिश्ते की प्रतीक है। मैं इनको बांध के हरी डोरी को स्वागत करता हूँ। पार्टी उनको लेफ्ट हैंड पे, ये भी होता है ना, लेफ्ट हैंड पे बांधना है, राइट हैंड पे तुम लोग पता होना चाहिए। नहीं मैं बता रहा हूँ, वो भी तो वीडियो बनी थी कुछ। तो बीएसपी छोड़ के आरएलडी में शामिल हो गए हैं मलुप नागर और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे आप वहां से देख रहे थे, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने खुद उनको पार्टी ज्वाइन करवाई।